दोस्तों तो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों आज तुम्हारा भाई बनाने वाला है मैगी, क्योंकि भाई मैगी मेरे को बहुत पसंद है। मैगी बहुत ज़्यादा खाता हूँ मैं और मेरा फेवरेट है। जैसे सब्जी की तरह खाता हूँ मैं, जैसे ऐसे नहीं कि सिर्फ नूडल्स पर खाता हूँ, नहीं मैगी बनाता हूँ उसको खाता हूँ, रोटी के साथ भी खा लेता हूँ, चावल के साथ भी खा लेता हूँ, इतना अच्छा मुझे लगता है। तो भाई आज उसी का प्लान है, तो चलते हैं मैगी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं करा मैंने, सब कुछ अभी देखो खाली पाली पड़ा पूरा, अभी कुछ भी नहीं करा मैंने रेडी। तो मैं चलता हूँ, पहले प्याज वाज लेता हूँ, प्याज टमाटर मिर्ची धनिया लहसुन जो भी होता है सब लेके उसको मैंने काट पीट देता हूँ। उसके काटने उठने के बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले चलते हैं निकालते हैं, तो लेट्स गो गाइस। फाइनली मैंने ले लिया दो प्याज, दो टमाटर, पाँच छः मिर्ची और एक इसको क्या बोलते हैं, एक खड़ा लहसुन ले लिया मैंने, ठीक है। तो अभी चलते हैं, इसको पहले मैं इसको काटता हूँ, धो धा के इसको काटता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो लेट्स गो गाइस। गाइस आप लोग देख सकते हो इसमें मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, क्योंकि भाई प्याज मुझे बहुत ऐसा लगता है, झरारा लगता है, झरारा समझते हो ना, आँख से आंसू आता है भाई इसको काटने पे। मुझे पहले पानी भिगो दिया, इसको काट के भिगो दूंगा, तब तक इसको काटूंगा। टमाटर और ये मिर्ची और ये लहसुन है, इसको भी मैंने इसको धो दिया, ठीक है। अभी धो इसको काटने के बाद फिर धोएंगे एक पानी से। उसके बाद अभी धनिया है, धनिया का पत्ती है तो उधर रखा, उसमें फ्रिज में रखा, अभी उसका तो लास्ट में काम आता है, ठीक है। तो इतना ही लगता है मुझे लगता है, और कुछ तो लगता नहीं है मैगी बनाने में। मसाले वसाले तो रखे हैं, वो तो लास्ट में पड़ेंगे। तो गाइस चलते हैं, पहले इसको काटते हैं, ठीक है, आप लोगों को दिखाते हैं फिर। गाइस देखो फाइनली मैंने ये प्याज को दो टुकड़े कर दिए, ठीक है, और इसका ऊपर टमाटर का जो भी ऊपर वाला उसको भी काट दिया मैंने धीरे धीरे, ठीक है। लहसुन को भी मैंने छील दिया है, ठीक है। ये मिर्ची को मैंने इसका जो ऊपर वाला उसको तोड़ दिया, ठीक है। अभी इसको बस काटना बाकी है, तो चलते हैं काटते हैं, उसके बाद दिखाते हैं हम लोगों को काट के, ठीक है। तो गाइस बने रहे वीडियो में, मैं तब तक काट देता हूँ फटाक से। तो गाइस मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, देख लो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आंखों में आंसू भर गए हैं। और मैं क्योंकि ये मैंने प्याज काट दिया अभी वो टमाटर वमाटर बाकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता है प्याज काटने के टाइम पे, क्योंकि मुझे आंसू आता है। और बताओ आप लोग भी किसको किसको आंसू आते हैं प्याज काटने के टाइम पे। तो प्याज तो काट दिया, अभी मैं मेरा बचा है लहसुन काटने के लिए और टमाटर और मिर्ची काटने के लिए, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। तो चलते हैं इसको काटते हैं, तब तक आप लोग बैठ रहिए वीडियो में, बैठे ना रहिए वीडियो में, बने रहिए। गाइस आप लोग देख सकते हो ये हमारा टमाटर हो गया, ये मिर्ची हो गया, ये लहसुन हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, ठीक है गाइस। तो अभी रेडी हो गया, अब चलते हैं इस पर चलाते हैं हम पतीला यानी कढ़ाई चलाते हैं इस पर, ठीक है, बनाने के लिए। तो गाइस ये कढ़ाई में हम बनाएंगे ये वाले कढ़ाई में, ठीक है। तो इसको पहले धोना पड़ेगा, मुझे धो लेते हैं हल्का सा, क्योंकि खाना बनाने से पहले बर्तन को धोना चाहिए, तो धोते जाए पहले। तो गाइस मैंने धो दिया इसको, अभी इसको गैस को ऑन कर देते हैं, गैस भी जला दिया मैंने, अब इसको गर्म करने देते हैं। उसके बाद डालेंगे तेल, तेल के बाद डालेंगे इसमें ये सब जितना भी मटेरियल है, जीरा वीरा जो भी है उसको डालेंगे, डालने के बाद तब प्याज वाज डालेंगे, फिर टमाटर वमाटर डालेंगे, उसके बाद नहीं मैगी को भी भूजना पड़ेगा ना मुझे। तो पहले हम जो मैगी है तो उसको दिखाते हैं आप लोगों को, ये है वेजिटेबल फ्लेवर जो मैगी है, ठीक है, यही है मेरा, इसको बनाना है मुझे। तो पहले इसको रख देते हैं इधर, और ये बनाना इसमें तो इसमें पाँच पैकेट है, ठीक है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, दो पैकेट बनाऊंगा मैं, दो पैकेट निकालता हूँ पहले। आप लोग देख सकते हो ये दो पैकेट मैंने निकाल दिया, ठीक है। अभी मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया, देखो ऑयल भी हल्का सा डाल दिया इसको, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा भूनना है यानी भूनना है। तो इसको पहले फोड़ लेते हैं हल्का हल्का। आप लोगों का बनाने का स्टाइल अलग है मुझे पता है, लेकिन मेरा बनाने का स्टाइल अलग है। तो आप लोग देखो मेरा कैसा बनता है, ठीक है। तो पहले इसको फोड़ते हैं हम। तो देख सकते हो ये जिसका अंदर का जो इंडमुई का था उसको मैंने निकाल दिया बाहर, इसको लास्ट में बाद में डालूंगा, और इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको क्या करते हैं, हल्का हल्का चला के भूजते हैं, हल्का हल्का थोड़ा लाल कर देते हैं। आप लोगों को मुझे पता है उबाल के बनाते हैं, मेरा स्टाइल अलग है। आप लोग देखो कैसे हम बनाते हैं और कैसा बनता है, ठीक है। तो पहले इसको भूनते हैं हल्का हल्का आँच में दो मिनट तक। तो अभी इसको मैं निकाल के इसमें रख देता हूँ, इस पतीले में। उसके बाद मैं डालता हूँ अपना मटेरियल दूसरा वाला, ठीक है, मटेरियल पहले इसको निकाल देता हूँ मैं, ठीक है गाइस, क्योंकि ये हो गया है, ये हो गया, इसको निकाल देते हैं। देख सकते हो आप लोग गाइस मैंने इसको निकाल दिया इसमें, ठीक है। अभी देखो ये लाल हो गया हल्का हल्का, देख सकते हो आप लोग लाल हो गया, इसको ऐसा ही करना चाहिए। अभी मैं इसमें डालूंगा क्या, गैस तो मेरा ऑफ हो गया है, गैस इसको ऑन कर दो पहले। तो गैस को ऑन करने के बाद गैस ऑन हो गया मेरा, अब इसको ऑन करने के बाद मैं डालता हूँ इसमें पहले ऑयल, ऑयल के बाद डालूंगा इसे नमक, सॉरी ये मिर्ची लहसुन अदरक और जीरा वीरा जो भी मसाला वसाला है डालूंगा इसमें, ठीक है। तो पहले डालते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने ऑयल डाल दिया इसमें, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा ऑयल खाने से भाई फैट बढ़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा ऑयल डालता नहीं हूँ, और मुझे भाई फिट रहना है तो ऑयल कम खाना आप भी, और फिट रहना है तो स्वाद तो भाई ऐसा नहीं होता, तेल से ज़्यादा थोड़ा स्वाद थोड़ा बढ़ता है, लेकिन भाई साहब अगर फैट बढ़ गया ना तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है गाइस। तो पहले मैं ये सब डाल देता हूँ जितना भी मेरा ये मटेरियल है, ठीक है, ये लहसुन वसुन जितना भी है। और देख सकते हो आप लोग मैं डरता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जर जाता हूँ बार बार, जब भी मैं डालता हूँ मैं जर जाता हूँ, तो इसलिए मैं दूर भाग जाता हूँ इसको डाल के। और इसको डाल देता हूँ जितना भी है ये सब,
ठीक है, इसको डाल देता हूँ फटाक से। ये डाल दिया गाइस, अभी मेरा जीरा भी बचा है, जीरा भी को डाल देता हूँ इसको भी। ये सब देख रहे हो क्या है, ये जानते हो ये है लौंग, इलायची और ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं लकड़ी को मुझे पता नहीं है इसका नाम, दालचीनी बोलते हैं शायद, और ये इलायची भी है ठीक है इसमें। तो ये सब तीनों डाल देते हैं इसमें, हल्का हल्का डाल देते हैं ये भी, और बचा मेरा का तेजपत्ता डालना है इसमें। तेजपत्ता भी देखते हैं मेरा किधर है, तेजपत्ता को जोड़ के डालते हैं। ये तीन तेजपत्ता भी डाल देते हैं ठीक है, इसको भी डाल देते हैं। अब इसको हम चलाते हैं ठीक है। तो पहले तो ये चम्मच से ही चला देते हैं इसको हल्का हल्का ठीक है। ये हल्का हल्का चम्मच से भी चल सकता है, कोई मुश्किल नहीं है इसको। जब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं हल्का हल्का लाल होता है, फिर डालते हैं इसमें प्याज ठीक है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो इसका कलर, पहले इसको भून लेते हैं। तो गाइस अभी ये हो गया, अब इसमें डालते हैं हम अपना प्याज। तो प्याज हमारा ये रहा ठीक है, इसको हम डालते हैं और डालने के बाद देखते हैं इसका क्या रिएक्शन रहता है। तो ये प्याज ऐसे डाल देते हैं, ज़्यादा प्याज नहीं डाले हैं क्योंकि ज़्यादा मैगी भी नहीं है, और मज़ा आएगा। देखते हैं गाइस आप लोग कैसे रिएक्ट करते हैं लास्ट में। अब मेरा देखना बनाने का तरीका पहले ठीक है गाइस। तो हम प्याज भी डाल देते हैं जल्दी जल्दी, इतना भी है जगह थोड़ा कम है इसलिए भाई बैठने का तरीका थोड़ा मेरा कैजुअल है। तो भाई प्याज डालते हैं, इसको भूनते हैं हल्का हल्का ठीक है गाइस। अभी प्याज भी डाल दिया हमने और इसको भून रहा है हल्का हल्का, और इसको हल्का हल्का इसको डाल देते हैं। उसके बाद नमक डालेंगे इसमें ठीक है गाइस। जब नमक डाल देंगे तो जल्दी से गल जाएगा हमारा प्याज ठीक है गाइस। तो अब इसमें नमक भी डाल देते हैं, पहले इसको ढक देते हैं थोड़ा देर, उसके बाद नमक डालेंगे इसमें गाइस। इसको हमने ढक दिया, अब इसको 2 मिनट ऐसे होने देते हैं, थोड़ा आँच को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसको वेट करते हैं हम, इतना थोड़ा सा हल्का से गल जाएगा, उसके बाद नमक डालूंगा। नमक और मेरा नमक किधर है गाइस, मेरा नमक है ये देखो, ये नमक मैं डालता हूँ सऊदी में, यही नमक डालता है, सही नमक रहता है ठीक है। तो इसको मैं डालना इसमें, तो थोड़ी देर वेट करते हैं तब तक ये हो जाता है, उसके बाद नमक डालते हैं। तो गाइस अभी इसको देखते हैं क्योंकि मुझे लगता है 2 मिनट हो गए इसका, तो इसको देखते हैं। और थोड़ा सा देखो लाल भी हो गया हल्का हल्का ठीक है गाइस। अभी ये नमक डालने लायक हो गया है, अब इसको नमक डाल देते हैं इसमें। तो पहले नमक लेते हैं और डालते हैं इसमें हल्का सा ठीक है गाइस। ये नमक हम डालेंगे, और नमक आप लोग देखना कि इतना डालते हैं हम, इतना नमक में हो जाएगा। तो इतना नमक में हो जाएगा मेरा, आप लोगों को ज़्यादा लगता होगा लेकिन ज़्यादा है नहीं ठीक है, क्योंकि मैं बनाता हूँ डेली, मुझे पता है मेरा का स्वाद कैसा रहता है। तो मैं अपने हिसाब से डालता हूँ गाइस, आप लोग अपने अपने हिसाब से डालना। हर किसी को हल्का नमक होता है, किसी का ज़्यादा होता है कि नहीं गाइस। तो मुझे थोड़ा कटक नमक चाहिए, तो मैं ऐसा ही डाल देता हूँ। अब इसको भूनता हूँ हल्का, और 2 मिनट तक ऐसे इसको चलाता हूँ पहले। गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे प्याज का हालत अभी क्या हुआ है, ये थोड़ा हल्का हल्का मतलब गल गया है। तो थोड़ी देर ढक देते हैं हल्का हल्का, तो गल जाने के बाद उसको फिर टमाटर डालेंगे, उसको गलाएंगे ठीक है गाइस। तो टमाटर में भिजा रहा, मुझे धनिया काटना है, धनिया का पत्ती है मेरे फ्रिज में, उसको लाके मैं काटना अभी थोड़ी देर में। तो पहले इसको होने देते हैं। तो अभी ये हो गया है, मुझे लगता है 2 मिनट हो गए इसका। तो निकाल देते हैं इसको, और इसको निकाल देते हैं, अभी देखते हैं इसका हालत क्या है। तो अभी ये धीरे धीरे हो गया है मुमकिन, और इसमें हम डालते हैं पहले ये टमाटर को ठीक है गाइस। तो टमाटर डालने वाला हो गया है, तो मुझे टमाटर डालना है इसको, टमाटर डालते हैं पहले। तो ये हमने डाल दिया टमाटर फटाक से ठीक है गाइस। तो ऐसे ही हम डालते हैं, आप लोग भाई देसी स्टाइल वाला मेरा खाना देख सकते हो आप लोग, आप लोगों का अलग होगा लेकिन मेरा अलग है गाइस। तो मैंने टमाटर भी डाल दिया, उसको चला देते हैं ठीक है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो अभी आवाज़ करने ज़्यादा लग गया, उसको चला के फिर थोड़ा ढक देते हैं इसको गलने के लिए, क्योंकि टमाटर भी गल जाएगा तब तक, और प्याज भी गल जाएगा तब तक। तो गाइस इसको हम चला दिए, अभी हम इसको ढक सकते हैं, आप लोग देख सकते हो इसका हालत क्या है, देख सकते हो ठीक है। तो इसको ढक दिया पहले गाइस, इसको ढक दिए हम, अब इसका वेट करेंगे हम लगभग 3-4 मिनट तक वेट करेंगे इसको गलने का। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले, और मसाले में मेरा रखा है, इधर भी मसाला है और अंदर इसके मसाला रखा है मैंने, तो उसको निकालते हैं पहले बाहर, फिर दिखाते हैं हम लोगों को। ये मसाले मैं यूज़ करूँगा, और रेड मिर्ची भी है लेकिन उसको नहीं डालूंगा क्योंकि वो ज़्यादा तीखा हो जाएगा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये है ये भाई सब करी पाउडर है, ये धनिया पाउडर है ठीक है, ये चिकन भी मसाला थोड़ा सा इसको भी डालूंगा, और ये हल्दी है ठीक है गाइस। तो ये मसाले मैं यूज़ करूँगा, और जो बचा है मैगी के पैकेट में इसको भी मैं यूज़ करूँगा, इसको इसके लिए बना है तो इसको डालना भी पड़ेगा ठीक है। तो गाइस अभी इसको डालेंगे थोड़ी देर में ठीक है। अभी ये हो गया, 2-3 मिनट मुझे टाइम हो गया इसको रखे हुए, अभी देखते हैं इसका हालत क्या है। तो इसका हालत हो गया सारा गंभीर, देख सकते हो आप लोग अभी ये गंभीर रूप में आ गए हैं, और इसको भी गल गया, हल्का हल्का गल गया है।
अभी और बाकी थोड़ा हल्का सा गलाना है इसको, तो पहले चला देते हैं हल्का, नीचे जल जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, तो इसको पहले गला देते हैं हल्का चला के। ठीक है, आप लोग देख सकते हो इसका हल क्या है, ये गल रहा, धीरे धीरे गल रहा आप देख सकते हो। ठीक है, इसको एक आध दो मिनट और गलाते हैं, उसके बाद डालेंगे इसमें अपना मसाले। ठीक है, फिर गलाएंगे इसको, पकाएंगे, तो वेट करते हैं। सभी ये मसाले डालने लायक योग हो गया है इसको, अभी इसमें मसाले डालेंगे, तब तक मसाले डाल लेते हैं, अब फिर दिखाते हैं हम लोग को मसाले डालने के बाद। ठीक है गाइस, मैंने अभी मसाले डाल दिए इसमें। ठीक है, अब इसको हम चला देते हैं मसाले डालने के बाद, और जो पैकेट वाला, जो पैकेट में जो मसाला था वो भी हम डाल दिया। ठीक है गाइस, अब इसको हम चलाते हैं, देखते हैं अभी कैसा इसका हालत हुआ, देख सकते हो आप लोग। तो मसाला पड़ने के बाद अभी धीरे धीरे पकड़ रहा है नीचे से, उसको हम चला के पहले इसको लाल से भूजते हैं, उसको थोड़ा हल्का पानी डाल के उसको पकाते हैं। तो पहले पानी को हम डाल देते हैं हल्का सा पहले इसको भूजने के बाद। ठीक है गाइस, गाइस अभी ये हो गया है। ठीक है, और ठीक आ रही है मुझे, क्योंकि मसाले इसमें धीरे धीरे भूनने रहे हैं, और अब इसमें डाल देते हैं हम ये, और डालने के बाद पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद इसको 5 मिनट में बना देते हैं, 5 मिनट में मैगी हो जाता है। 2 मिनट में बोलते हैं लोग मैगी होता है, लेकिन लगता है मुझे 10 मिनट हो गए, और अभी तक इसका पता नहीं चल रहा, लेकिन हो जाएगा अभी 2 मिनट में और हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसमें डालते हैं हम ये। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इसमें मैं डाल दिया हूँ इसको, और इसको मैं थोड़ा सा चला देता हूँ, उसके बाद डालूंगा इसमें पानी, और ये सब देख सकते हो आप लोग। तो ये हो गया, अभी इसको मैं चला दिया हूँ। ठीक है, और अब इसमें डालने वाला हूँ मैं पानी, तो पानी डाल देता हूँ पहले, फिर भी इसको मैं लपेट दिया हूँ जितना लपेटना था, पानी डालता हूँ। ठीक है गाइस, तो पानी इतने में तो होगा नहीं, और पानी डालता हूँ गाइस। मैंने पानी तो डाल दिया इसमें, देखो पानी आप लोग देख सकते हो, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है इसको पकाने में, क्योंकि फूलना भी इसको ना, फूलना भी पड़ेगा, तो डाल दिया। अब इसमें डालना मुझे धनिया का पत्ती, धनिया का पत्ती फटाक से काट लेते हैं गाइस, उसके बाद डालते हैं इसमें। ठीक है, तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने धनिया को भी काट दिया। ठीक है, इससे काट दिया सब कुछ, अब इसको मैं डाल देता हूँ इसमें, क्योंकि 5 मिनट हो गए मुझे मैगी को गर्माते हुए, तो उसमें मैं डाल देता हूँ। अभी देखते हैं इसका हालत क्या है, इसको पहले चलाता हूँ और हालत देखते हैं इसका, धीरे धीरे ये उबल रहा है। ठीक है, तो अभी पानी इसमें बाकी है, तो जले वो धनिया भी रहता होता रहेगा मेरा, और ये मैगी भी होती रहती है। ठीक है गाइस, तो डाल देते धनिया, और धनिया डालने के बाद मेरा हो जाता है काम खत्म, उसके बाद 5 मिनट में मेरा हो जाएगा। तो धनिया डाल देते फटाफट गाइस, और ये है मेरा धनिया पड़ गया। ठीक है गाइस, ये जितना भी धनिया मैं इसको डाल देता हूँ पहले, तो आप लोग देख सकते हो धनिया डालने के बाद इसका खुशबू आ रहा मेरे को, और ये कहाँ से आ गया गाइस, और देखो ये हो गया धनिया मेरा। ठीक है गाइस, तो धनिया को भी डाल दिया मैंने, अब इसको ढक देते हैं। ठीक है गाइस, मेरे हाथ में जो लगा है इसको भी निकाल के डाल देते हैं गाइस। धनिया डालने के बाद देख सकते हो इसका अभी कितना कलर हो रहा है। ठीक है, उसको ढक देते हैं फिर से हम, और इसको ढक के मुझे 5 मिनट इसको हुकवाना है, तो 5 मिनट तक होता रहता है, तब तक हम लोग वेट करते हैं इसका होने तक का। ठीक है गाइस, काफ़ी मशक्कत के बाद इतना मैंने तैयार किया। ठीक है, तो आप लोग बस 2 मिनट और वेट कीजिए, 2 मिनट का आप लोग वेट ना कीजिए, मैं वीडियो ही डाल रहा हूँ। ठीक है, तो वेट करना नहीं है मुझे, वेट करना 2 मिनट वेट करता हूँ उसको होने का, होने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ सीधे कि इसका होता क्या, उसके बाद हम इसको खाएंगे। ठीक है गाइस, तो तब तक वेट करते हैं गाइस। 2 मिनट हो गया है, थोड़ा मैं इसको देखता हूँ, बोलते लोग 2 मिनट में मैगी हो जाता, तो मैं 2 मिनट तो भाई सब कुछ करने के बाद भी 2 मिनट देखता हूँ हो गया कि नहीं, तो इसको उठाते हैं पहले और देखते हैं। ओ हो, हाँ, इसको पहले चलाते हैं, और गाइस ये देखो तो नीचे पकड़ रहा था, कोई बात नहीं गाइस, वाव, आप लोग देख सकते हो गाइस, ये मेरा मैगी का हालत, सॉरी आई हुआ, ये देखो, तो ये हमारा मैगी हो गया, लगभग लगभग हो गया, नहीं हो गया गाइस, थोड़ा सा इसको सुखा देते हैं पानी का हल्का सा, यानी 1 मिनट में और होगा मेरा, हो जाएगा मैगी। ठीक है गाइस, तो इसको होने देते हैं तब तक। गाइस अभी मेरा मैगी हो गया तैयार, अब इसको हम कर देते हैं ऑफ, गैस को कर दिए ऑफ, और ये हो गया तैयार। ठीक है गाइस, अभी हम इसको निकालते हैं कटोरे में निकाल के, इसको बाद इसको चम्मच से खाया जाएगा गाइस, और रोटी से खाएंगे बाद में, पहले चम्मच से खाया जाएगा इसको, ढक देते थोड़ी देर तक। गाइस ये है हमारा मैगी, और भाई साहब आप लोग देख सकते हो, आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए गाइस, हाँ, ओ हो, गर्मा गर्म मैगी है, और ये सब आपके लिए, पहला आप लोग खाइए, उसके बाद हम खाएंगे। ठीक है गाइस, और मैगी गर्म है, देखिए मुंह ना जले आप लोगों का, पर भाई आप लोग बताना कमेंट में कैसा बनाया मैंने। इतना मेहनत करने के बाद ये मेरा मैगी बन गया है फाइनली। ठीक है, अब इसको खा के मुझे जाना है ड्यूटी जल्दी से, तो मैं आप लोगों को खा के दिखाता हूँ पहले फटाक से। ठीक है, वाव मस्त बना गाइस, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, आपका भाई इतना मेहनत करा है तो लाइक तो बनता है, कमेंट भी कर देना कैसा है कैसा नहीं। ठीक है,
और आप लोगों के लिए एक और भाई, एक और बाइट ले लीजिए आप लोग, ये लीजिए। वाह। बाय बाय गाइस, लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।